कर दिया चालान, वो भी पूरे 2000 रुपए का। मिट्टी पानी सब कुछ है इस पे। और सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शोएब खान और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल शोएब स्टाइल ब्लॉग। सो गाइस, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं इसमें बता दे रहा हूँ। क्योंकि मैं जाने वाला हूँ गाइस दिल्ली, और मेरे जो भाई लोग हैं समीर भाई और जैनुल भाई, वो लोग ऑलरेडी दिल्ली चले गए हैं। और वो इस वजह से गए हैं क्योंकि उनको एक बाइक परचेज करनी थी। वो हमारे एरिया में कहीं मिली नहीं, ना ही बरेली मिली, ना ही बदायूं मिली और ना ही मुरादाबाद मिली। इन जगह पर मिल रही है तो उसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि वो शोरूम वाले जो लोग हैं वो उसको बुक कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने नहीं खरीदी है, इसलिए वो दिल्ली गए हैं। और वहाँ पर उन लोगों ने गाड़ी वगैरह परचेज तो कर ली है, बट उसकी जो डिलीवरी है वो अभी नहीं हुई है। और वो इस वजह से नहीं हुई है क्योंकि उन लोगों के पास अभी लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस मेरे और जब्बात के पास है, इसलिए हम लोग सुबह ही यहाँ से निकलने वाले हैं। इस बारे में मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया है बहुत कुछ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख सकते हैं गाइस। और अभी हमारी पैकिंग जो है हो चुकी है, लगभग हमारी पैकिंग वो हो चुकी है, क्योंकि ये हमारे कैमरे का बैग है, ये भी हम अपने साथ ले जाएंगे। बाकी ग्लव्स वगैरह ये हैं, क्योंकि ठंड बहुत है, ठंड के मामले में हमारा कोई परहेज़ नहीं है। बाकी हमारी पैकिंग जो है वो हो चुकी है, इसके आप देख सकते हैं बैग भी हो चुका है। और हेलमेट का माउंट जो देख सकते हैं अपने बिल्कुल रेडी है। और बाकी हमारी जैकेट वगैरह और नी गार्ड वगैरह सारे रखे हुए हैं। और हम यहाँ से सुबह ही हम यहाँ से निकल जाएंगे गाइस। सुबह हम यहाँ से 7 बजे निकलेंगे। अभी क्या कह रहे हैं 7:05 हो रहे हैं मतलब, और हम यहाँ से सुबह 7 बजे से पहले निकलने की कोशिश करेंगे। बट नींद के मामले में मेरा कोई परहेज नहीं है। जब बात तो वैसे टाइम से उड़ जाता है, और जब बात भी हमारे साथ जाने वाला है वो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया, बट नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं, इस ब्लॉग में आप देख सकते हैं। तो गाइस, अब मिलते हैं आपको सुबह 7 बजे। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट। सो गाइस, अभी हम लोग नींद से उठ गए हैं बिल्कुल, और अब हम लोग जाने वाले हैं। वैसे अभी समय तो खैर पता भी नहीं लग रहा समय का, समय तो 7:49 हो गए हैं, बट ऐसा लग नहीं रहा है मौसम को देख के, क्योंकि मौसम इतना ख़तरनाक हो गया है और हमारी फर्स्ट राइड है, इसलिए कुछ मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, देख ही नहीं रहा है। मतलब कॉल इतना है कि पता नहीं। और अभी हम बिल्कुल सो के उठे हैं, फ्रेश भी नहीं हुए हैं, तो चलते मिलते हैं, फ्रेश वगैरह हो गया, तैयारी करते हैं तुरंत, राइड के लिए निकलते हैं। ठीक है, ओके। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग सुबह दिन निकलेंगे, और आप देखते आ रहे हैं और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और घर से निकल चुके हैं, और हमारा बिल्कुल सेटअप बिल्कुल रेडी है, और बाइक वगैरह हमारी रेडी है। और जब भाई जरा अपनी नी गार्ड वगैरह पहनेंगे अभी पैरों में, और चलते हैं। अब अगली अपडेट आपको जल्दी देते हैं। ओके, ठीक है। दिल्ली के लिए हम निकल चुके हैं, और आप देख सकते हैं ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है, और कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। और जैनुल भाई और समीर भाई अपने कैमरे वाले मार्केट में चले गए, और उनको रास्ता मिल नहीं रहा है कि कहाँ पर मार्केट है। वैसे फाइनली मैंने उनको एक वीडियो भेज दी, और उनको मतलब लोकेशन भी बता दिया है कि कहाँ पर आपको जाना है। इस गाड़ी की जो भी डिग्गी खुल रही है तो बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये दिक्कत भी हो सकती है कोई इसमें, भैया डिग्गी खुल रही है पीछे की डिग्गी। सर, कैमरे का जो माउंट है वो ढीला हो रहा है, वो मैं उसका सेट कर लूँ पहले। कैमरे का जो माउंट था वो ढीला हो गया था, और हमने वो सेट कर लिया है फिर से, और अब हम निकल चुके हैं फिर से। फिलहाल में हम संभल आ चुके हैं, बट एक प्रॉब्लम हो गई गाइस जो मैं आपको बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया अभी। प्रॉब्लम ये हो गई कि समीर भाई और जैनल भाई अपने रूम से सुबह ही निकल आए जल्दी के चक्कर में, मतलब जल्दी आ जाएंगे। मैंने बोला था कि जल्दी मत आना, क्योंकि हम पहुंच नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि कॉल जो है कोहरा जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने बोला था कि जल्दी ना निकले, बट बहुत जल्दी आ गए। और उन्हें ये बताया ही नहीं मैं, कैमरा मार्केट जो है कुच्चा चौधरी मार्केट जो है चांदनी चौक पर, कैमरा मार्केट जो सबसे बड़ी मार्केट है मैंने सुना है वहाँ पे दिल्ली की, वो मार्केट जो 11 बजे खुलती है, ये मैंने उनको बताया ही नहीं था। और अब आ गए वहाँ पे, बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं बेचारे, काफ़ी टाइम से तो उसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो पहली बार गए वहाँ पे दिल्ली में मार्केट में। वो मार्केट ऑलरेडी मैंने ही देख रखी थी, और मैं ही उन्हें जाके बताता, बट अब तक तो मैं पहुँच गया होता, क्योंकि 10 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें 10 बज चुके हैं, तो अब तक तो मैं पहुँच चुका था, बट इसी वजह से नहीं पहुँचाऊँ क्योंकि ठंड ज़्यादा है और कोहरा भी बहुत है। सो हम घर से ही बहुत काफ़ी लेट निकले हैं, और
अभी मेरे पास फोन आया था तो मुझसे पूछा यार मैं एक घंटे से परेशान हो रहा हूँ और मिल नहीं रहा है मेरे को मार्केट, तो मैंने बोला है उनको और उनको मार्केट बता दिया, बिल्कुल मार्केट के गेट पे बैठे हुए हैं अभी तक 11 बजने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मार्केट जो है वो 11 बजे ओपन होगा, उसके बाद उनको थोड़ा हेलमेट वगैरह, राइडिंग जैकेट वगैरह और राइडिंग नी गार्ड वगैरह, राइडिंग का सामान वगैरह मतलब चाहिए होगा और वो चाहिए होगा उनको करोल बाग से, वो भी उनको नहीं मालूम है मार्केट, वो भी मेरे को ही मालूम है क्योंकि ये जो जैकेट वगैरह और जो मैं ग्लव्स वगैरह जो पहरे हुए हूँ और नी गार्ड वगैरह वो सारे मैं करोल बाग से लेके आया था हेलमेट के साथ। गाइस राइडिंग में मज़ा बहुत आ रहा है और हमारे जो हाथ है जैसे कि आप देख सकते हैं कितने गंदे हो चुके हैं, वो धूल से हो चुके हैं और इसमें जब मैं राइडिंग करता हूँ ना तो इसमें ना पानी आ जाता है, पता नहीं ये मतलब ठंड की वजह से हो रहा है शायद। और हमारे कैमरे का जो फ्रंट है अगर मैं आपको दिखाऊं उसमें दिख जाए तो पूरा मिट्टी वगैरह धूल वगैरह से पानी वगैरह से सारे भीग गया है और हम रुक रुक के बार बार लेंस साफ कर रहे हैं ताकि आपको पूरा व्यू और लोकेशन दिखता रहे प्रॉपर। तो कटिंग का कुछ सीन दिखा है हमें इसलिए हम रुकते हैं यहाँ पर। कैसे हो? भाई ये फाइनली हम लोग गजरौला से निकलेंगे, खोखे पर रुक गए हैं और वहाँ पर हम चाय पी रहे हैं और आवाज़ आ रही होगी क्योंकि गाड़ी चल रही तो आवाज़ कम आ रही थी, बट मैं काफ़ी तेज़ और काफ़ी एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ और कटिंग के साथ हम दे रहे हैं पर कटिंग लाऊँ हमारी। और ठंड में जो कटिंग का मज़ा है वो अलग ही है, मतलब ठंड में मज़ा है वो अलग ही है। और अभी समीर भाई का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे हमसे कहाँ पर आ गए, हम लोग उनको बता दिया कि हम गजरौला से निकल गए हैं, काफ़ी दूर आ चुके हैं, चाय कैसी चाय मस्त है एकदम भैया। अभी जब देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, बट आ जाएगा हम समझा के जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इनको टच फोन होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दें, ड्रॉइंग में कटिंग पीता हूँ और कटिंग पीता हूँ उसी हाथ से, तो कैमरा पकड़े हुए उसी हाथ में, जब बस कैमरा तुम पकड़ाओ एकदम मस्त स्माइल। तो भाई ने ड्राइव बहुत लंबी कर दी, ग्लव्स हैं, कैमरा है, हेलमेट है, जैकेट है, वो सारे गंदे हो चुके हैं क्योंकि धूल आ गई है और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी बहुत गंदे हो चुके हैं, मिट्टी पानी सब कुछ है इस पर। और ग्लव्स देख सकते हैं गाइस पूरे मतलब सन गए हैं। और सो गाइस फाइनली हम लोगों ने कटिंग पी ली, मतलब चाय पी ली हम लोगों ने और अब हम लोग आ चुके हैं टोल पर, टोल प्लाजा पर। लेकिन अपने को साइड टोल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपने के बाइक अपने को अपने पास बाइक है और बाइक का टोल कटता नहीं है, सो अपने को निकल जाएंगे डायरेक्ट ऐसे ही। ये क्या झोल है भाई, अपनी बाइक किधर से निकलेगी, अपनी बाइक किधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी, बाइक इधर से निकलेगी, बाइक इधर से निकलेगी। ओहो बाइक के लिए बड़ा बहुत छोटा रास्ता है भाई 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 भाई, रुको रुको, ओहो ये बाइक का रास्ता साहब, उसी टोल नहीं निकलेगी तो उसी हिसाब से रास्ता भी ख़राब है बाइक के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम टोल से निकल गए हैं, हमारी राइड काफ़ी हो चुकी है मतलब कंप्लीट। अब यहाँ से 40 किलोमीटर दिल्ली रह गई है क्योंकि अब हम आ गए हैं छजार से टोल प्लाजा पे, जब बस उसमें आप देख सकते हैं जो घर है, जो घर जो टोल प्लाजा है, छजार से टोल प्लाजा है दिल्ली जाते पर पड़ता है ये, अगर आप आए होंगे तो आपको मालूम होगा पीछे पड़ा था वो लाहौरली टोल प्लाजा था, लाहौरी ऐसे कुछ नाम है उसका। फिलहाल में हम काफ़ी थक गए हैं तो हमने थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश की है यहाँ पर और फिलहाल में अभी रुक गए हैं। मज़ा आया इस राइड में, काफ़ी अच्छा मज़ा आया और ब्लॉग में बने रहिए, पठान बहुत लगी है हाँ और ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा शूट हो गया है तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले ब्लॉग में आ सकता है, ऐसा हो सकता है अगर ज़्यादा क्लिप नहीं होगी इसकी पता नहीं। और क्योंकि और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हमारी गोप्रो की जो बैटरी वो डाउन होने वाली है और अभी हम दिल्ली पहुँचे भी नहीं हैं, समीर भाई से और जयंत भाई से भी हम मिले भी नहीं हैं और गोप्रो की बैटरी जा रही है तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम दिल्ली में जो मोटो ब्लॉग करेंगे वो कैसे करेंगे, दिक्कत आ रही है।
तो अभी हम यहाँ से ज़्यादा शूट नहीं करेंगे गोप्रो में, अब हम दिल्ली के अंदर जब एंटर कर जाएंगे, जब हम ज़्यादा शूट करेंगे, तो तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ये बात मैं हर बार कहता हूँ। और अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो और हमारा एक्सपीरियंस अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलते हैं, मिलते हैं, गुड। ये रास्ता मालूम है यहाँ से, यहाँ से, हाँ ये मालूम है मुझे। पेट्रोल डलवा लेते हैं गाड़ी में, पहले गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम रह गया है। अलग से लेना पड़ता है, YouTube वीडियोस। रेड लाइट हो चुकी है। जो रियल बात है वो बात ये है कि मेरे को अभी रेड लाइट का यहाँ पे जो है सिस्टम वो समझ में नहीं आया। अभी मैं पहली बार यहाँ पे राइड कर रहा हूँ, मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ यहाँ पर। अब दिल्ली में जब मोटो ब्लॉग करेंगे तो ये हल्के हल्के सीख ही जाएंगे, बट अभी ओहो उधर झरना चल रहा था तो कैमरे पर पानी आ गया साइज, उसको साफ कर लूँगा पहले। एक मिनट गुरु। सो चलते हैं, अगली अपडेट आपको देते हैं भाई लोग के पास पहुंचकर। हेलमेट के अंदर हम मास्क लगा हुए नहीं थे इसलिए 2000 रुपये का चालान हो गया। और फिर रेड लाइट से रोक के मास्क भी हाथ में ही था और फिर भी सर ने चालान कर दिया। तो गाइज अगर आप दिल्ली आएँ तो प्लीज़ मास्क का हमेशा ध्यान रखें। मैं भी ध्यान रख रहा था बट रेड लाइट पे उन्होंने रोक लिया, जिससे कि आप देख सकते हैं ये चालान दिया उन्होंने हमें। थैंक यू सर। ये बढ़िया था गुरु। मास्क नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। अरे सर मैं एक बार कटवा चुका हूँ सदर में, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम था कि हेलमेट में ही मास्क चाहिए होगा। सीधे 2000 का चालान हो गया है, अब ध्यान रखना दिल्ली आना तो ऐसे आना, मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मास्क तो अर्जेंट है ही दिल्ली में, ये मेरे को मालूम था बट मैं सोच रहा था आगे से ले लूँगा, और अभी हेलमेट लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर ब्लॉग कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, ब्लॉग कर रहा हूँ ब्लॉग। चालान हो गया तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि दिल्ली में जब भी आएँ आप कि चालान मतलब मास्क लगा के आएँ प्रॉपर, और चाहे हेलमेट हो चाहे ना हो कार हो, फैसिलिटी के लिए बोला जा रहा है। और जो हम ड्यूटी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हाँ ये तो है, ये तो है। देख रहे कितने केसेस निकल रहे हैं ये लोग। हाँ ये तो है, ये तो है। लोगों के कार में हो या कहीं भी हो हेलमेट लगाओ, बट फिर भी मास्क लगाना है। चलो ठीक है, जैसे मैंने सोचा था ऐसा नहीं हुआ, ऐसा आप भी सोच लें कि हेलमेट लगा हुआ है ऐसा दिक्कत आ जाएगी आपको। सो प्रॉपर मास्क लगा के रखें। फिलहाल मैं चालान की रसीद रख लेता हूँ, कभी आगे सीन होएगा तो मैं दिखा दूंगा इसको। वैसे तो मैंने अभी फिर भी हेलमेट में लगा लिया मास्क, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, पर्स बिल्कुल खाली है और चालान हो गया, ये ठीक है। क्या थे YouTube चैनल आपका, क्या है? हाँ YouTube चैनल है। कौन सा? शोएब स्टाइल ब्लॉग। हाँ सही है भाई, चालान हो गया।